नमस्ते बली सर। आइए 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 महाराज, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। जी जी थैंक यू थैंक यू। अच्छा तो आप इसके पिताजी हैं, आइए आइए। अच्छा तो क्या नाम बताया आपने? सर सर पापा ने तो भी अपना नाम बताया ही नहीं। क्यों पापा जी? वैसे सर इसकी मम्मी मुझे कुछ और ही बोलती है। वैसे लोग मुझे पिट्टी शाहपुरिया कहते हैं। पिट्टी शाहपुरिया जी, आप मुझे पिट्टी बुला सकते हैं सर। अच्छा तो पिट्टी जी मुझे ये बताइए, घर में करता क्या भाई? बस मुझे यही जानना कि ये घर में करता तो करता क्या है? मेरा लड़का वैसे तो सर ये सारा सारा दिन पढ़ाई करता रहता है सर। घंटों घंटों सर कमरे से बाहर ही नहीं आता। कमरे को लॉक कर लेता सर, बोलता पढ़ाई करनी है सर। बड़ा अनहार बच्चा है मेरा, बड़ा अनहार बच्चा है। तो महाराज घंटों पढ़ते हैं? घंटों? क्यों मिस्टर सिंह, घंटों पढ़ते हो? सर अभी आप ध्यान से सुनना मेरी बात, सर उसकी तरफ मत देखिए, इसकी तरफ नहीं देखना सर, ना इसकी तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ देखिए आप। अभी मैंने गर्मियों की छुट्टियों के बाद इससे होमवर्क पूछा मैथ्स का, तो बोलता सर नोटबुक गुम होगी भाई। बेटा जी कहाँ होगी आपकी नोटबुक गुम? बताओ पापा जी को। पापा यार कहीं पे भी नहीं। मैंने भी इससे यही पूछा कि भाई तेरी नोटबुक गुम कहाँ होगी, बोलते सर घर पे गुम होगी भाई। घर में कैसे नोटबुक गुम होती है भाई? मैंने सोचा घर में कमरे कितने हैं, तो बोलते सर 100 कमरे हैं। आजकल मारे बुलेट चलाने लगे हैं, तो एक कमरे से दूसरे कमरे मारे बुलेट भी जाते हैं। इसका मतलब ये भाई 100 कमरे हैं, तो बंदा एक कमरे से दूसरे कमरे ट्रैवल करने के लिए बुलेट तो यूज करेगा ही भाई, करेगा कि नहीं करेगा? बेटे तूने ऐसे बोला? पापा मैंने तो सिर्फ 7 कमरे बोला था, 100 सर ने खुद ही लगा लिए। अब पता नहीं सर क्या करते रहते हैं। देखा, ऐसा मेरा बेटा जी ने बिल्कुल नहीं बोला है। आप अपने कान साफ कराइए जल्दी से जल्दी। ऐसा मेरा, मुझे पता है मेरा बेटा बड़ा होनहार है, ऐसा कभी नहीं बोल सकता ये। देखो टट्टी जी, सर क्या टट्टी टट्टी बोल रहे हो? पापा है वो मेरे। सॉरी सॉरी पिट्टी जी, देखो आपका लौंडा पढ़ाई में 0 है, दा बिग 0 है ये। पूछो इससे आता कुछ? इसे कुछ नहीं आता, इसे बताना जरा आता आपको कुछ भी? कुछ नहीं आता हमारे, इसे कुछ नहीं आता, सभी सब्जेक्ट में इसका यही हाल है। सभी सब्जेक्ट में सभी टीचर इसे इतना तंग आए हुए हैं, इतना तंग आए हुए हैं, पूछो मत। इसके कांड भी आप सुनो मत, स्कूल में कोई कांड करना हो बच्चे इसकी मिसालें देते हैं। एनुअल फंक्शन हो ये महाराज पहुंचे होते हैं, भांगड़ा डालना हो ये महाराज पहुंचे होते हैं, डांस कंपटीशन हो ये महाराज पहुंचे होते हैं, मेरी बाइक पंचर करनी हो ये महाराज पहुंचे होते हैं, बुलेट में पटाखे ठालने हो ये महाराज पहुंचे होते हैं। अच्छा और एक लड़की फ्रेंड भी है, उसका नाम नागो, नागो डाल रखा है इन्होंने, नागो जैसे गैंगस्टर होते हैं नहीं वैसे वो नागो, नागो जी मुझे खुद डर लगने लग गया उनसे। जब वो मुझे देखते हैं पता क्या बोलते हैं? बलिया है, बलिया है, बलिया है, बलिया है। मेरे नाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं भाई ये, मेरे नाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं अभी 3 दिन पहले हमने सभी बच्चों को एक फॉर्म दिया भरने के लिए कि उसमें बच्चों ने अपना नाम और सेक्स भरना था। सभी बच्चों ने अपने नाम के नाम तो भर दिया, सेक्स की जगह हम और आप क्या भरेंगे, मेल या फीमेल? जी 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 आपका लौंडा लिख रहा है, करवा दो। बताइए क्या करवा दूं मैं भाई, क्या करवा दूं? उस दिन इंग्लिश की क्लास में सभी बच्चों के लिए एक सेंटेंस लिखा था कूल ब्रीज, नहीं सर, नहीं सर। आपके लौंडे ने लिखा था कूल ब्रेजर। कूल ब्रेजर लिखता भाई, ये क्या देख रहा है भाई आजकल, कर क्या रहा है ये? नादान सा बच्चा सर, छोड़ दो सर। अब इसकी जान लेके आप साल हो गए सर, छोड़ दो बेचारे को सर। सॉरी सर। कल मैथ्स की क्लास में मैंने सभी बच्चों को आसान सा सवाल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सभी बच्चे अपना आंसर निकाल रहे हैं बेचारे। ये आपका लौंडा मेरे पास आ रहा है, मेरे कान में आके बोल रहा है सर वो तो बेवफा निकली, तो मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं? हर जगह जो उल्टी सीधी बातें लिख रहा है, हर जगह इसका पेपर चेक करो ऐसे लगता है किसी प्लेबॉय के मैगजीन पढ़ रहे हैं, हर जगह उल्टी सीधी बातें, पता नहीं क्या देख रहा भाई आजकल ये, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। सॉरी सर। मैं बड़ी मुश्किल से चपड़ासी की नौकरी से टीचर की नौकरी के लिए प्रमोट हुआ हूं, और अपने लौंडे को सुधारिए भाई, से सुधारिए, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। नादान सा बच्चा सर, छोड़ दो सर। अब इसकी जान लेके इन लोगों ने मेरा टट्टी जी, क्या हो गया भाई? हर बार टट्टी टट्टी लगा रहा है, तुझे टीचर किसने बना दिया? पिट्टी शाहपुरी हूं मैं, पिट्टी शाहपुरी है ठीक है। सॉरी पिट्टी जी, मेरा टट्टी करना हराम किया हुआ है, हर टाइम
टॉयलेट के दरवाजे के पीछे मेरा नंबर लिखा हुआ इन्होंने, उधर लिखा हुआ है कि रात को 12 से 2 बजे के बीच में करो फुल नजारे। बताइए महाराज मैं क्या करूं, मेरी बीवी खुद मेरे पे शक करने लगी है। जब रात को फोन आता ना मुझे 2 बजे, मेरी फट के 4 हो जाती है 4। ठीक, अब मैंने गांड बांध ली है। सर क्या बोल रहे हो, देखा इसका फिर से उल्टी सीधी तरफ ध्यान जा रहा है। बच्चे मैं गांठ बोल रहा हूँ, जैसे रस्सी की गांठ होती है ना, वैसे मैंने अपनी गांठ बांध ली है कि मैं आपके लुंडे को नहीं पढ़ा रहा भाई, आपका लुंडे को मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके और आपके मिस्टर सिंगा के सामने। चल बेटा चले। खत्म हो गया। ओ नहीं फोन दा फिकर सानू, नहीं नेट पैक दा, ओ सजरे फुलां दे वांगू फिरे जट टैग दा।